हाय गाइज, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक इक्विटी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G में डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करेंगे। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको सेटिंग में ना, सो गाइज सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको अबाउट डिवाइस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको वर्जन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा बिल्ड नंबर का। आपको बिल्ड नंबर पे कम से कम 7 से 8 बार लगातार क्लिक करना है। जब गाइस आप बिल्ड नंबर पे 7 से 8 बार लगातार क्लिक करेंगे तो गाइस आपका डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। सो गाइस, मैं इस पे 7 से 8 बार लगातार क्लिक करता हूं। जैसे गाइस मैंने बिल्ड नंबर पे 7 से 8 बार लगातार क्लिक किया तो मेरा डेवलपर ऑप्शन एनेबल करने के लिए लॉक स्क्रीन पासवर्ड मांग रहा है। तो गाइस यहां पे आपको अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड एंटर कर देना है। एंटर करते गाइस मेरा डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो गया। यहां पे आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। सो गाइस, इस तरीके से आप डेवलपर ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। चेक करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और गाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज यहाँ पे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आप ऊपर देख रहे हैं मेरा डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो गया। सो गाइज, इस तरीके से आप डेवलपर ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। और गाइज आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और गाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।